नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6-12 पढ़ा, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आपका जो है चैप्टर नंबर 27 मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मुगल साम्राज्य को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुगल साम्राज्य में हम लोग पढ़ेंगे आज है जो है मुगल वंश के शासक व उत्तराधिकारी। तो आपके मुगल वंश के शासक व उत्तराधिकारी कौन कौन बने उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लिखा सबसे पहले तैमूर वंश से संबंध होने के कारण मुगलों को तिमूरियन भी कहा जाता है। तो तैमूर वंश से संबंध होने के कारण जो है मुगलों को तिमूरियन भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो तैमूर वंश से संबंध होने के कारण मुगलों को तिमूरियन भी कहा जाता है। तो तैमूर जो था आपका जो था तैमूर जो है पांचवा ये वंशज था, ठीक है। तो तैमूर जो था पांचवा वंशज था। और उसके बाद जो है आपका बाबर जो है बाबर आया, ठीक है, बाबर तैमूर का पांचवा वंशज जो है बाबर, ठीक है। तो बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उसके बाद आपका आया हुमायूं सेकंड नंबर राजा बना। उसके बाद थर्ड पर आया आपका अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। चौथे पर आपका जहांगीर, जिसका नाम सलीम भी था, तो सलीम जहांगीर दोनों एक ही नाम था। पांचवे नंबर पर आया खुर्रम, जिसका नाम शाहजहां था, तो जहांगीर के बाद शाहजहां से खुर्रम भी बोलते थे। छठे नंबर पर आपका औरंगजेब था, औरंगजेब शासक बना। तो पहला आपका बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब, ठीक है। सातवें नंबर पर आपका बहादुर शाह प्रथम, तो सातवें नंबर बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम, ठीक है, मुअज्जम जिसे बोलते हैं। आठवें पर आपका है जहानदार शाह, तो जहानदार शाह हो गया। नौवें पर आपका है नौवें पर फरूसिया, देखिए आपका यहाँ पर नौवें पर फरूसिया था, तो आठवें नंबर पर जहानदार शाह शासक बना। नौवें नंबर पर फरूसिया। दसवें नंबर पर देखिए यहाँ पर है रफी उदर जात, तो दसवें पर रफी उदर जात है। ग्यारहवें पर आपका शाहजहां द्वितीय है। और बारह नंबर पर आपका मोहम्मद शाह, जिसे रोशन अख्तर भी बोलते थे, तो बारह नंबर पर मोहम्मद शाह रोशन अख्तर। तेरह पर अहमद शाह बहादुर, तेरह पर आपका अहमद शाह बहादुर। चौदह पर आलमगीर द्वितीय अजीजुद्दीन, तो चौदह नंबर पर आलमगीर द्वितीय अजीजुद्दीन। पंद्रह पर शाह आलम द्वितीय, जिसे अली गौहर कहते हैं, तो पंद्रह पर शाह आला द्वितीय, जिसे अली गौहर कहते हैं। सोलह पर अकबर शाह द्वितीय, जिसे मिर्जा अकबर भी कहते हैं, तो अकबर शाह द्वितीय मिर्जा अकबर। और सत्रह पर बहादुर शाह जफर, जिसका रंगून में निधन हो गया, ये आखिरी आपका शासक था। तो चौदह पर आलमगीर द्वितीय, जिसे अजीजुद्दीन कहते थे। और पंद्रह पर शाह आलम द्वितीय अली गौहर। 16 पर अकबर शाह द्वितीय मिर्जा अकबर। और आपका जो है अजीजुद्दीन अली गौहर अकबर और फिर आपका जफर, ठीक है। तो अकबर शाहजहां के चार पुत्र थे, जिसका नाम था एक औरंगजेब, एक था आपका शाहजहां, एक था मुराद बख्श, एक था दारा सिखो। तो शाहजहां के बाद जो राजा बना उसका नाम था औरंगजेब। तो शाहजहां के बाद जो है खुर्रम जो था शाहजहां या खुर्रम, तो आपका जो है औरंगजेब शाह सुजा मुराद बख्श और दारा सिखो। और जहांगीर के दो बेटे थे, जिनका नाम था एक था शाहजहां, एक का नाम था खुसरो मिर्जा, ठीक है, तो खुसरो मिर्जा। और एक का नाम था शाहजहां या खुर्रम, ठीक है, तो खुसरो मिर्जा जो है द्वार बख्श, जो कि बलि का बकरा भी था, तो द्वार बख्श बलि का बकरा ये बना आपका द्वार बख्श, ठीक है। तो खुसरो मिर्जा का बेटा द्वार बख्श, ये बलि का बकरा बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका औरंगजेब के जो है जो बेटे बने बेटा हुआ वो था आजम शाह। सातवें नंबर पर आपका बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम, इसे मुअज्जम कहते हैं, तो बहादुर शाह प्रथम जो मुअज्जम का मुअज्जम नाम था और बहादुर शाह प्रथम के नाम से जो है शासक शासन किया, ठीक है। वो और आपका यह है मोहम्मद अकबर, ठीक है, तो मोहम्मद अकबर, उसके बाद मोहम्मद काम बख्श। तो आपका जो है औरंगजेब के चार पुत्र थे, जिसका नाम था आजम शाह, बहादुर शाह, मोहम्मद अकबर और मोहम्मद काम बख्श। और मोहम्मद काम बख्श का पुत्र था जिसका नाम था वही उल मिसलत। तो मोहम्मद काम बस का नाम था मोहम्मद काम बस के बेटे का नाम था मुही उल मिल्लत। तो मोहम्मद काम बस के बेटे का नाम था मुही उल मिल्लत या फिर शाहजहां तृतीय। तो शाहजहां तृतीय किसे कहते थे, तो मुही उल मिल्लत को कहते थे, जो कि मोहम्मद काम बस का बेटा था और औरंगजेब का पौत्र था। तो औरंगजेब का पौत्र कौन था आपका, शाहजहां तृतीय मुही उल मिल्लत। और शाहजहां तृतीय का बाप कौन था, मोहम्मद काम बख्श था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर देखिए, तो बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम के बाद जो आपका वहाँ पर बेटा या जो आगे बना उसमें था अजीमुस्सान, अजीमुस्सान के बाद रफीउस्सान,
जहांदार शाह अकबरुद्दीन खान अकबरुद्दीन अख्तर तो बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम के नीचे जो आपके वंश आए उसमें थे एक अजीमुद्दीन, एक रफीउद्दीन थे, एक जहांदार शाह थे, एक अकबरुद्दीन अख्तर थे। तो अकबरुद्दीन अख्तर में आपके आए 12वें नंबर के शासक बना मोहम्मद शाह जिसे कहते थे रोशन अख्तर। तो मोहम्मद शाह रोशन अख्तर 13वें नंबर राजा बने शासक अहमद शाह बहादुर, और उसके बाद बेदार बख्त। तो बेदार बख्त था एक, तो मोहम्मद शाह रोशन अख्तर, अहमद शाह बहादुर और बेदार बख्त, जहांदार शाह, ठीक है। जहांदार शाह के बाद 8वें नंबर का राजा था जहांदार शाह, उसके नीचे आपका उसका वंश में 14 नंबर का बना राजा आलमगीर द्वितीय अजीजुद्दीन। अजीजुद्दीन जो नाम है वो आलमगीर द्वितीय के नाम से बना, अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से बना, मिर्जा अकबर अकबर शाह द्वितीय के नाम से, और बहादुर शाह जफर, ठीक है। और रफीउद्दीन का जो है वंश बना, रफीउद्दीन का वंश जो था आगे वो एक 10वें नंबर का राजा बना रफीउद्दर्जात, 11वें नंबर का शाहजहां द्वितीय और मोहम्मद इब्राहिम। और अजीमुद्दीन का वंश जो है 9वें नंबर का राजा बना जिसका नाम था फारूक सियर, तो अजीमुद्दीन फारूक सियर, ठीक है। और इस प्रकार हमने देखा तो तैमूर का 5वां वंशज बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, हुमायूं अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जहांगीर सलीम, और उसके बाद शाहजहां खुर्रम और खुसरो मिर्जा। उसके बाद खुसरो मिर्जा का जो है द्वार बख्श जो है वंश था, और बलि का बकरा जिसे कहते थे, और शाहजहां खुर्रम का जो है 4 बेटा था औरंगजेब शाह सुजा मुराद बख्श और दारासी को, और औरंगजेब का 4 बेटा था जिसका नाम था आजम शाह बहादुर शाह प्रथम जिसे मुअज्जम भी कहते थे, मोहम्मद अकबर और मोहम्मद काम बख्श। तो मोहम्मद अकबर के नीचे आया नेकुसियार, अब मोहम्मद काम बख्श के नीचे आया मुली उल मिलत शाहजहां द्वितीय, और बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम के नीचे में आया 4, और उसका 4 वंश, एक था अजीमुद्दीन, एक था रफीउद्दीन, जहांदार शाह और अकबरुद्दीन अख्तर। तो अजीमुद्दीन के नीचे का वंश था फारूक सियर, और रफीउद्दीन के नीचे का वंश था शाहजहां द्वितीय रफीउद्दर्जात और मोहम्मद इब्राहिम। जहांदार शाह के नीचे का वंश था आलमगीर द्वितीय जिसे अजीजुद्दीन भी कहते थे, शाह आलम द्वितीय के नीचे का था अजीजुद्दीन के नीचे था शाह आलम द्वितीय जिसे अली गौहर कहते थे, और अली गौहर के नीचे था अकबर शाह द्वितीय जिसे मिर्जा अकबर कहते थे, और मिर्जा अकबर के नीचे था बहादुर शाह जफर जिसे जिसका रंगून में निधन हो गया। इधर आपका है खुजिस्ता अख्तर, तो बहादुर शाह जफर बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम के नीचे एक और था उसका वंश खुजिस्ता अख्तर जिसका जो है 12 नंबर का राजा बना मोहम्मद शाह जिसे रोशन अख्तर कहते थे, और उसके नीचे 13वें नंबर का अहमद शाह बहादुर और उसके नीचे बेदार बख्त, ठीक है। तो ये आपका टोटल था। इसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे मुगल शासकों के मकबरे कहाँ कहाँ थे। तो बाबर का मकबरा है आगरा काबुल, पहले आगरा में था उसे बाद में काबुल ले जाया गया। तो बाबर का मकबरा पहले अकबर उसके बाद काबुल में, हुमायूं का आपका दिल्ली में है, अकबर का सिकंदरा आगरा में, जहांगीर का लाहौर शहादरा में है, और शाहजहां का आगरा में है, तो शाहजहां का आगरा में, औरंगजेब का औरंगाबाद दौलताबाद में है। तो बाबर का आगरा काबुल में, हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा आगरा में, जहांगीर का लाहौर शहादरा में, शाहजहां का आगरा में, औरंगजेब का औरंगाबाद दौलताबाद में, ठीक है। इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए आपका वीडियो यहीं पर समाप्त रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।